तमाम ओबीसी नेता जो हमारे जो दल चढ़ा रहे हैं जो बिहार में उत्तर प्रदेश में वो क्या कर लिए, जाति जनगणना नहीं हो रही है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं 30 सितंबर हमने डेट रखा है, उस दिन पूरे राष्ट्र में विरोध होगा और इस जातिवादी सवर्ण महिला बिल जो आया है और जो भारतीय जनता पार्टी संविधान पर हमला कर रही है उसका जवाब उन्हें 30 सितंबर तक मिलेगा और भरपूर मिलेगा। और ये मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से, जितने हमारे ओबीसी और दलित और आदिवासी और जो अल्पसंख्यक साथी हैं वो एकजुट हो जाए क्योंकि उनके नेता फेल हो गए। एससी एसटी ओबीसी की महिला संसद आके क्या करेंगी, पूजा पाठ कौन करेगा? चलिए वो तो हम बताएंगे ना क्या करेंगी, वो आज उनको उनका पैर पकड़ना पड़ता है। आपका तो खेल खत्म हो गया, आप लड़ हमारा खेल नहीं खत्म हुआ है, पार्लियामेंट में जो बैठे हैं नेता और जो ओबीसी हैं उनका खेल खत्म हो गया है, वो निकम्मे साबित हुए और हम आपको दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ये मोदी जी का अभी तक सबसे बड़ा हमला संविधान के, जिस तरह से इन्होंने ईडब्ल्यूएस को रिड्यूस किया था और जितना आरक्षण था सवर्णों को कितना मिल रहा था इनडायरेक्ट रूप से 75%। सेंगोल का राज है और उसने बहुत साफ तौर पर कल ही ये घोषणा कर दी थी कि अब एक नया भारत बनेगा। अब इस देश में जो मनुस्मृति का राज है ना वो सीधे ना आकर के प्रकारांतर से आ रहा है। मिसाल के तौर पर ये कि आज नए संसद का उद्घाटन और पहला बिल जो टेबल किया गया वो जिसके जरिए किया गया जो मंत्री है कानून मंत्री वो दलित समाज के अर्जुन राम मेघवाल, बाबा साहब को याद करते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की तरक्की वहाँ की महिलाओं की तरक्की से देखूंगा। होने दो विरोधी, मेरे कॉलेज में आके देखो अपर कास्ट प्रिंसिपल है, वो मेरा टॉर्चर नहीं कर रही? अब जाके देखो सविता राय महिला है ना, लेकिन सारे पार्टियों के सवर्ण महिलाओं ने इस बिल का समर्थन तो किया। इसलिए जात है ना, मैंने पहले आपको कहा कि जात है ये जो है वो सवर्णों के लिए, सवर्ण जात की महिलाओं के लिए और उसके थ्रू पुरुषों के लिए रिजर्वेशन है। अब जो है ना जैसे नहीं लिखते मुखिया पति सरपंच पति तब विधायक पति सांसद पति, उस गाड़ी पे चलेंगे सारा घर उन्हीं का भरने वाला है। संविधान पे दूसरी बार बीजेपी का जो है ना बहुत ताकतवर हमला है और ये दूसरी बार मैं कह रहा हूँ ये दूसरी बार जातिवादी विधेयक है। पहला था ईडब्ल्यूएस कि सिर्फ सवर्ण के लिए ईडब्ल्यूएस होगा, उसी तरीके से जो आया है महिला आरक्षण बिल ना, ये सवर्ण महिला आरक्षण बिल है। लालू यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव ये सब लोग संसद में नहीं है, रामविलास पासवान नहीं है, आज महिला बिल पास कर दिया गया। सवर्ण समाज की महिलाएं कह रही हैं कि ऐतिहासिक कदम है, बहुजन समाज की महिलाएं कह रही हैं कि उनको आरक्षण नहीं मिला। एससी एसटी का जो रिजर्वेशन ऑलरेडी था लोकसभा और विधानसभा में उसी में उनके महिलाओं को रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, लेकिन 33% जो महिलाओं का रिजर्वेशन का प्रावधान है उसमें एससी एसटी ओबीसी महिलाओं का अलग से प्रावधान नहीं है। इस पर एक बड़ा पैनल मेरे साथ तमाम एस सी एस टी ओ बी सी के लोग हैं, उनकी क्या राय है वो भी बताऊंगा। वैसे मैंने महिलाओं की राय बताई, सर क्या राय है आपका, ओ बी सी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है अच्छा है? कि संविधान पे दूसरी बार बीजेपी का जो है ना बहुत ताकतवर हमला है और ये दूसरी बार मैं कह रहा हूँ ये दूसरी बार जातिवादी विधेयक है। पहला था ईडब्ल्यूएस कि सिर्फ सवर्ण के लिए ईडब्ल्यूएस होगा, उसी तरीके से जो आया है महिला आरक्षण बिल ना, ये सवर्ण महिला आरक्षण बिल है। विमेंस कॉलेज में जाके केस स्टडी कर लीजिए, पता लग जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऋतु सिंह धरना पे बैठी हुई है ना, महिला कोई होमोजेनियस कैटेगरी है, एक कैटेगरी है कि सब महिला है, बायोलॉजिकली महिला हो सकती है लेकिन उसमें कास्ट नहीं है, जातिगत भेदभाव नहीं है। ये बात आपने सही कहा कि अभी बड़े लीडर्स अभी पार्लियामेंट में नहीं है और शरद यादव का ऐतिहासिक भाषण इस पर हमने एडिट किया है, उसको निकालूंगा। अभी तो ये होना चाहिए कि पूरा इस पर आर पार जंग होना चाहिए। रिजर्वेशन ये रिजर्वेशन महिला रिजर्वेशन नहीं, एस सी एस टी ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करने का प्लान है। ये किसके लिए? शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है 131 जो सांसद बनते हैं उनको, उसी में महिलाओं को भी इंक्लूड कर दिया गया, ये फायदा है नुकसान है? एकदम नुकसान है भाई। एक बार बताओ विमेन कॉलेज में ही सिर्फ पढ़ाएगी, कोर्ट में नहीं पढ़ाएगी? ये शेड्यूल कास्ट का जो पॉपुलेशन के हिसाब से था
दूसरा जब महिला का आप आरक्षण करें तो आप कहिए कि सीधे हम सवर्ण महिला का आरक्षण दे रहे हैं, ये कहने में क्या जा रही है? एजेंडा तो वही है, जैसे आपने खुल के कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा सवर्णों के लिए, तो ये तो मोदी साहब ओबीसी के नाम पर एक तरह से ओबीसी के और एससी एसटी के अधिकारों पर डकैती कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई बोलता है उसको कहा जा रहा है कि ये महिला विरोधी है। अरे होने दो विरोधी, मेरे कॉलेज में आके देखो अपर कास्ट प्रिंसिपल है, वो मेरा टॉर्चर नहीं कर रही? कहने से महिला कौन जात का हिस्से पता लगा नहीं उसका एटीट्यूड कैसा है? अब जाके देखो सविता राय महिला है ना, लेकिन सारे पार्टियों के सवर्ण महिलाओं ने इस बिल का समर्थन किया है। इसलिए जात है ना, मैंने पहले आपको कहा कि जात है ये जो है वो सवर्णों के लिए, सवर्ण जात की महिलाओं के लिए और उसके थ्रू पुरुषों के लिए रिजर्वेशन है। अब जो है ना जैसे नहीं लिखते मुखिया पति, सरपंच पति, तब विधायक पति, सांसद पति, उस गाड़ी पे चलेंगे, सारा घर उन्हीं का भरने वाला है जी। ओबीसी के तरफ से कोई उम्मीद दिख रहा है क्या वो इसको पॉलिटिकल एजेंडा बना पाएंगे या ये लड़ाई भी एससी एसटी के लोग? अच्छी बात है कि बहन जी ने इसमें एक स्टेटमेंट दिया है, मैंने पूरा सोशल मीडिया नहीं देखा है, लेकिन डिंपल यादव ने भी ये स्टेटमेंट इसमें दिया है। और अब मुझे खड़गे जी ने भी बोला है, खड़गे जी ने बोला है, अब सीधा सीधा एससी एसटी ओबीसी के लोगों को चाहिए, एक्टिविस्ट को चाहिए, लीडर्स को चाहिए, सीधा और सीधा भारत बंद, इसमें बड़ा एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। ये भाजपा सरकार, आरएसएस की सरकार ने, हिंदुवादी सरकार ने मजाक बना के रख दिया है कॉन्स्टिट्यूशन का। रिजर्वेशन कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन। पहले आंकड़ा कहाँ से लाया आपने, किस आंकड़े पे आपने 33% दिया? जैसे 10% आपने किस आंकड़े पे दिया? ओबीसी का जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहा? 27% भी पूरा नहीं हुआ अब तक। तो ये तो जनऊ लीला वाली सरकार है, तो मनुस्मृति लागू करना चाहती है, किस्तों में लागू कर रही है। एससी एसटी में जो रिजर्वेशन ऑलरेडी था उसमें जो महिलाओं की भागीदारी बढ़ा दी गई है उस पर आपकी क्या पड़ती है? नहीं, महिला 33% जो मिला है किसके लिए है पहले ये बताओ, उसमें एससी एसटी ओबीसी का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसमें तो माइनॉरिटी को भी मिलना चाहिए। एससी एसटी महिलाओं को मिलेगा लेकिन जो ऑलरेडी रिजर्वेशन नहीं, तो गलत है, गलत है। आपने एक एक गलत एक अलग तरीके का रिजर्वेशन लाया है, तो उसमें जो संख्या अनुपात में रिजर्वेशन है वो महिलाओं को भी मिलना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी सबको मिलना चाहिए। चलिए तो थैंक यू, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बड़ी दूसरी भी पॉलिटिकल कोशिश है उस पर भी बात करूँगा। ओबीसी के लोग तो मस्त हैं, ओबीसी के लोग मस्त हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, जैसा इस आरक्षण की सारी टेक्निकलिटी भी सर ने बताई है, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या इसमें यह है, आपने कहा कि ओबीसी के नेता इस पर आएंगे खुलकर या जो है केवल एससी के लोग ही इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। मेरा ये मानना है कि जो हमारी महिलाएं हैं ओबीसी, खास करके ओबीसी एससी की जो महिलाएं हैं, उनको अभी खुद इस आरक्षण के बारे में और इसके प्रावधानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लिहाजा अगर बीजेपी ये कहती है, कोई भी नेता ओबीसी एससी का बोलता है और बीजेपी आरोप लगाती है कि आप महिला विरोधी हैं, तो जाहिर सी बात अगर ये मैसेज गाँव तक या रूट लेवल तक पहुँचा तो महिलाओं के दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं जरूर आएगी कि ओबीसी एससी एसटी या अपोजिशन की जो पार्टियां महिला विरोधी। एक तस्वीर है सावित्रीबाई फुले हैं, माता सावित्रीबाई फुले 1848 में स्कूल खोलती हैं, ये बहुजन समाज से थी, आज के समय की आज होती तो ओबीसी होती, इन पर गोबर फेंकने वाली भी महिलाएं ही थी जो उस समय कर्मकांड के हिसाब से पढ़ाई लिखाई का विरोध कर रही है। सवाल है कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें सवर्ण महिलाएं हैं। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, पत्रकार में आपको कोई त्रिपाठी, कोई कश्यप, कोई शर्मा, कोई झा मिल जाएगा, लेकिन कोई महतो, कोई कुशवाहा, कोई मौर्या नहीं मिलेगा। तो सवाल है कि वो समाज जो सिंह लिख के रहता है, सिंह लिख लेता है मेरी तरह। लक्ष्मण जी, ओबीसी को महिला आरक्षण में ठेंगा मिला है और ये एक ओबीसी प्रधानमंत्री के द्वारा मिला है, सेंगोल का राज है, और उसने बहुत साफ तौर पर कल ही ये घोषणा कर दी थी कि अब एक नया भारत बनेगा। अब इस देश में जो मनुस्मृति का राज है ना, वो सीधे ना आकर के प्रकारांतर से आ रहा है। मिसाल के तौर पर ये कि आज नए संसद का उद्घाटन और पहला बिल जो टेबल किया गया वो जिसके जरिए किया गया, जो मंत्री है कानून मंत्री, वो दलित समाज के अर्जुन राम मेघवाल बाबा साहब को याद करते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की तरक्की वहाँ की महिलाओं की तरक्की से देखूंगा। लेकिन जब महिलाओं की बात आई तो मैं याद करता हूँ कि शरद यादव का एक बयान है
वो लोगों को इसलिए याद करना है क्योंकि शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और लालू यादव, इनको सबसे ज़्यादा अपमान अगर इस देश में किसी का हुआ तो इन नेताओं का हुआ। इन्हें महिला विरोधी, इन्हें सामंती और क्या क्या कह के गालियाँ दी गई कि ये लोग महिला विरोधी हैं। शरद यादव ने अपने एक इंटरव्यू में बिल्कुल साफ कहा और सदन में भी कहा कि मैं 33% क्यों, 50% रिजर्वेशन दो, लेकिन 50% में कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। वो 33% कौन लेगा? आपने 15% और 7.5% जो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब को मिला है उसके अंदर कर दिया कि 33% वहाँ होगा, तो जो बाकी 33% है उसमें कौन आएगा? ये सवाल बिल्कुल क्लियर है कि ये एक ऐसी रेस है जिसमें अच्छा आपको खुला मैदान दिया गया है। ओबीसी तो आजकल बहुत अमीर हो गया है, राम मंदिर बनवा सकता है, तमाम धार्मिक आंदोलन चला सकता है, तो और ले लीजिए आप लोग। कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक बात कही कि अब तक आज़ादी के बाद 7,500 लोग संसद में पहुंचे, जिसमें 650 महिलाएं थी, और मैंने आंकड़ा देखा तो उसमें 2.5% महिलाएं SC ST OBC की, 98% महिलाएं जो सदन पहुंची हैं अब तक वो सारी अपर कास्ट है। क्या कर लीजिएगा? करना कुछ नहीं है। देखिए, हम जो लोग कर सकते हैं, हम आखिरी वक्त तक कहते रहेंगे कि संविधान पर हमला है, ये लोकतंत्र पर हमला है और ये हर हाल में रुकना चाहिए। इसको रोक कितना पाते हैं ये देखने वाले। हो सकता है सवर्ण महिलाएं कुछ चमत्कारी बदलाव ले आए। नहीं, देखिए, जब आप लोकतंत्र के नाम पर इसे ले आ रहे हैं, जब आप इस देश को बेहतर बनाने के नाम पर ले आ रहे हैं कि महिलाओं को हिस्सेदारी देंगे, तो पूरे देश में महिला कोई एक लीनियर आइडेंटिटी नहीं है। जैसे गरीब होना कोई लीनियर आइडेंटिटी नहीं है कि उसके नाम पर EWS दे दोगे। वो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है और जो पहचान है महिला होने की, द्रौपदी मुर्मू को क्या कह के ले आए थे? केवल महिला कह के नहीं, आदिवासी संसद में कहाँ, वो उद्घाटन में कहीं थी, तो वो एक सिंबल बनाया जाएगा। कंगना रनावत थी, हाँ, तो वैसे लोग रहेंगे और उन्हीं उसी तरह के लोगों के लिए आप कह रहे हैं सवर्ण महिलाओं महिलाएं सारी सीट झटक रही। जो उस कई तरह के इंडेक्स है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो शहर में रह रही महिला होगी, जो पढ़ी लिखी महिला होगी, जो सवर्ण महिला होगी, जो आर्थिक रूप से सक्षम और राजनीतिक रूप से जागरूक होगी, 33% पूरा आरक्षण उनके लिए रखा गया है कि अब वो कोटा भी उन्हीं को मिल जाए। ये इस देश के वंचित शोषित जमात के साथ सबसे बड़ा धोखा है। इस देश में कोई भी अगर जागरूक SC ST OBC है ना, उसको आज कम से कम आँख खोल कर देखना होगा, वरना अब उनको बचाने को कुछ बचेगा। बीपी मंडल साहब के परपौत्र हैं और वो पूरा लेजिसी है OBC आरक्षण का है, अब क्या करेगा OBC? अरे मीना साहब, आप जो पूछ रहे हैं कि आप क्या कर लीजिएगा, मैं पूछ रहा हूँ तमाम OBC नेता जो हमारे हैं, जो दल चढ़ा रहे हैं, जो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, वो क्या कर लिए? जाति जनगणना नहीं हो रही है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं 30 सितंबर हमने डेट रखा है, उस दिन पूरे राष्ट्र में विरोध होगा और इस जातिवादी सवर्ण महिला बिल जो आया है और जो भारतीय जनता पार्टी संविधान पर हमला कर रही है, उसका जवाब उन्हें 30 सितंबर तक मिलेगा और भरपूर मिलेगा। और ये मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से, जितने हमारे OBC और दलित और आदिवासी और जो अल्पसंख्यक साथी हैं, वो एकजुट हो जाए, क्योंकि उनके नेता फेल हो गए। SC ST OBC की महिलाएं संसद आके क्या करेंगी, पूजा पाठ कौन करेगा? चलिए, वो तो हम बताएंगे ना क्या करेंगी। वो तो आपको जब IPS बनती है ना कोई, और जब उसके पास हाथ पैर जोड़ता है, मंडल कमीशन जब लागू हो रहा था तो यही बात कह रहे थे कि क्या करेंगी ये महिलाएं जाके। आज उनको उनका पैर पकड़ना पड़ता है। एक बात का तो खेल खत्म हो गया, आप लड़ हमारा खेल नहीं खत्म हुआ है। पार्लियामेंट में जो बैठे हैं नेता और जो OBC हैं, उनका खेल खत्म हो गया, वो निकम्मे साबित हुए, और हम आपको दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम संसद में नहीं हैं, हम सड़क पे हैं और हम जवाब सड़कों पे देंगे। ये आप जान लें कि ये जो OBC ये जो OBC समाज है, वो सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक और पूरे भारत में, मध्य प्रदेश से जवाब मिलेगा इनको। सवर्ण आरक्षण जो पहले EWS का किया, वो अब महिलाओं का किया, उस सवर्ण आरक्षण का जवाब सिर्फ चुनाव में महिला आरक्षण नहीं है, महिला सवर्ण आरक्षण है। ये पूर्णतः सवर्ण आरक्षण है महिलाओं के लिए। सवर्ण की समाज को अलग अलग नाम से उनके कोटा को बढ़ाया जा रहा है। क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब? देखिए, ये मोदी जी का अभी तक सबसे बड़ा हमला संविधान के, जिस तरह से इन्होंने EWS को इंट्रोड्यूस किया था और जितना आरक्षण था सवर्णों को कितना मिल रहा था इनडायरेक्ट रूप से 75% के लगभग, ऐसा मोटा मोटा हिसाब मानते हैं, तो उन्होंने EWS और लाके 10%। मैं कह रहा हूँ कि एक भी एग्जाम्पल बना दीजिए
जो EWS आरक्षण लाए थे और कहा था कि सबके लिए है, एक भी एग्जाम्पल बता दीजिए पूरे विश्वविद्यालयों से लेकर हर संस्था कि एक भी दूसरा सवर्ण के अलावा कोई दूसरा हुआ। इसी तरह से ये पूरा महिला सवर्ण आरक्षण जो इस बार संसद में मोदी जी सोच रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, उनको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और क्या ओबीसी वोट नहीं करेगा बीजेपी को? यदि करता है तो उससे बड़ा मूर्ख नहीं है, उसको और पत्र ये भी जरूरत है। फिर गुलामी करेगा, वोट करेगा ना बीजेपी को, राम मंदिर बन गया भाई साहब। बिल्कुल सही बात।